उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है, आइए वो सुन लेते हैं। यह बहुत दुखद खबर कल रात में ही प्राप्त हुई है। हैदराबाद की घटना के कारण जो देश दर्द से कराह रहा था, उन अपराधियों के खिलाफ हैदराबाद पुलिस ने कार्रवाई करके जो लोगों को राहत दी थी, कल रात की घटना इलाज के लिए समुचित प्रबंध राज्य सरकार की ओर से किए गए, हमने लखनऊ में इलाज कराने की जगह दिल्ली पीड़िता को भेजने का काम किया, लेकिन हम बचा नहीं पाए। और रात को ही समाचार मिला कि वह बेटी हम सबको छोड़ करके चली गई है। जो घटना के अपराधी हैं उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। जितनी जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट का उपयोग करके या अन्य भी जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, वह सारे जरूरी कदम उठाए जाएंगे और इन अपराधियों को जो दंड दिलाना है कानून सम्मत, वह दंड दिलाने का काम होगा।